सभी का मेरे YouTube चैनल अमरजीत क्लासेज IBS पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं AK चौबे आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं और आज से मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर मौजूद हूं और प्रत्येक दिन आपको सुबह सुबह गुड मॉर्निंग के तौर पर आज के इतिहास के तौर पर हिस्ट्री ऑफ द डे के तहत जो महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास में घटित हो चुकी होंगी उनका इतिहास मैं आपके समक्ष लेकर आया करूंगा। तो आज की जैसा हम सभी जानते हैं आज का दिन है 2 जून और 2 जून इतिहास में बहुत सारी घटनाओं के लिए जाना जाता है, किंतु आज हम लोग केवल एक ही महत्वपूर्ण घटना की चर्चा करेंगे और वह घटना होगी तेलंगाना। क्योंकि आज ही के दिन 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और आज इसी तेलंगाना के इतिहास में हम लोग जाएंगे और इसके इतिहास के सहारे उन सारे पॉइंट्स को निकालेंगे जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए चलते हैं तेलंगाना के इतिहास में। तेलंगाना के इतिहास में सबसे पहली जो घटना होगी वह कुछ इस प्रकार से देखा जाएगा। तेलंगाना और केवल उन सारे पॉइंट्स को टच करना है जो हमारे लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो तेलंगाना पर जो सबसे पहला पॉइंट होगा कि तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था, तो इसका पॉइंट याद रखना है, भारत का 29वां राज्य बना था। किससे अलग होकर, यही से पॉइंट बनता है कि आंध्र प्रदेश राज्य से अलग कर इसे 2 जून 2014 को इसे आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। और इस प्रकार से जब इस राज्य का गठन किया गया था उस वक्त यह भारत का 29वां राज्य था। वर्तमान में जब से 2009 में जम्मू और कश्मीर को राज्य के दर्जे से हटाकर यूटी बना दिया गया है, तब से कहा जा सकता है कि यह भारत का 28वां राज्य रह गया है। और इस प्रकार यहाँ भी एक प्रश्न निकल आता है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या 28 है। और यहीं से एक और पॉइंट बढ़ा लिया जाए कि वर्तमान में यदि पूछता है कि भारत में यूटी की संख्या कितनी है, तो याद रखना है 8 है। अर्थात वर्तमान में भारत गणराज्य में 28 राज्य और 8 यूटी है, जिनमें से सबसे नया राज्य नवीन राज्य को कहा जा सकता है यंगेस्ट स्टेट। यदि सवाल पूछे कि भारत का सबसे नवीन राज्य या यंगेस्ट राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना। अब सवाल यह आता है कि तेलंगाना राज्य को किससे अलग किया गया, तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा आंध्र प्रदेश से इसे अलग किया गया था। अब इसकी थोड़ी भौगोलिक जानकारी ले ली जाए तो भौगोलिक तौर पर याद रखना है कि इसके यह इसका पश्चिमी इलाका होगा, यह इसका उत्तरी इलाका होगा और यदि इस इलाके की बात कर ली जाए तो इसे कहा जा सकता है कि यह इसका उत्तर पूर्वी इलाका है। उत्तर पूर्व इसे उत्तर कहा जा सकता है और इसे पश्चिम कहा जा सकता है। और नीचे यदि इसका यह इलाका ले लिया जाए तो इस पूरे इलाके को कहा जा सकता है दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इलाका, तो इसके भौगोलिक बनावट में इसके पश्चिम में याद रखना है कर्नाटक राज्य है। तेलंगाना के पश्चिम में कर्नाटक राज्य है। तेलंगाना के उत्तर यदि बात किया जाए तो इसके उत्तर में महाराष्ट्र इसे स्पर्श करता है। इसके उत्तर पूर्व की बात कर ली जाए तो दो राज्य का नाम आप याद रखेंगे, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा
उड़ीसा, और इसके दक्षिण पूर्व में यदि पूछे कि तेलंगाना के दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य है, तो यहाँ याद रखना है यह राज्य है आंध्र प्रदेश, जिस राज्य से यह अलग हुआ था। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि तेलंगाना जिनमें से पश्चिम में कर्नाटक, उत्तर में महाराष्ट्र, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, जिससे यह 2014 में अलग होकर एक नया राज्य बना। नेक्स्ट सवाल निकलता है कि तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ याद रखना है, तेलुगु, भाषियों की भूमि। ये तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ की बात कर ली जाए तो तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ होता है तेलुगु भाषियों की भूमि। तो यहीं से एक सवाल निकल आता है कि तेलंगाना की राजभाषा क्या है। तो तेलंगाना में दो भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, एक तेलुगु और दूसरा याद रखना है उर्दू। तेलुगु और उर्दू तेलंगाना का दो राजभाषा है। नेक्स्ट चलते हैं, तेलंगाना का शाब्दिक अर्थ हो चुका है, अब पूछता है कि तेलंगाना राज्य की राजधानी। तेलंगाना की राजधानी क्या है, इसकी राजधानी याद रखना है, इसकी राजधानी है हैदराबाद, और यही से एक प्रश्न और निकलता है कि हैदराबाद किस नदी के तट पर है। यहां निकल जाएगा हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। अब हैदराबाद जब तेलंगाना का गठन 2014 ईस्वी में किया गया था तो कहा गया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों के लिए अगले 10 वर्षों तक हैदराबाद राजधानी के तौर पर काम करेगा, और आंध्र प्रदेश की राजधानी के तौर पर आप याद रखेंगे एक नया शहर बसाया जा रहा है जिसका नाम है अमरावती, और ये अमरावती आगे चलकर आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, और हैदराबाद किस नदी के तट पर है, तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है। यही से एक प्रश्न और निकल बैठता है कि हैदराबाद और एक शहर है वहां का सिकंदराबाद, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद इन दोनों शहरों को आप याद रखना है कि इन्हें जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, इन्हें जुड़वा शहर के तौर पर जाना जाता है। और यहीं से प्रश्न याद रख लीजिए कि सिकंदराबाद और हैदराबाद के बीच में एक झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील, और यह दिल के आकार का है, यह भी याद रख लेंगे, दिल के आकार का। तो एक सवाल बनता है कि हुसैन सागर झील कहां स्थित है, हैदराबाद में है, एग्जैक्टली कहां है, तो सिकंदराबाद और हैदराबाद जिसे जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है, इन दोनों शहरों के बीच में दिल के आकार का एक सागर है जिसे हुसैन सागर झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यह बात किया जाए कि तेलंगाना भारत के राज्यों में क्रम क्या है, तो क्रम का दो आधार होता है, आप याद रख लेंगे, एक क्षेत्रफल में और एक जनसंख्या में पूछता है। तो यहां से बड़ा ही आसानी तौर पर याद रखा जा सकता है कि क्रम में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में ही यह भारत का 12वां राज्य माना जाता है, अर्थात जनसंख्या में भी यह 12वें क्रम पर आता है, और क्षेत्रफल में भी बात की जाए यह 12वें स्थान पर आता है। तो इतनी सी जानकारी केवल तेलंगाना के बेसिक तौर पर चर्चा के दौरान निकाली गई। अब थोड़ी सी इसकी प्रशासनिक बनावट को देखा जाएगा, ऐतिहासिक बनावट को देखा जाएगा, और यही से आगे फिर देखेंगे कि तेलंगाना राज्य से
बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम जुड़ा हुआ है और उन हस्तियों के ऊपर परीक्षा में काफी सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम तेलंगाना के प्रशासनिक ढांचे को देखेंगे। हैदराबाद को निजामों का शहर भी कहा जाता है और इसी को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। तो यहां से फिर दो प्रश्न निकलता है, यहीं से याद रखना कि हैदराबाद में एक स्मारक है जिसे चार मीनार के नाम से जाना जाता है। सवाल यदि पूछता कि चार मीनार कहां स्थित है, हैदराबाद में। अब इस चार मीनार के ऊपर थोड़ी सी जानकारी यह है कि यह क्या है, तो यह तेलंगाना का एक स्मारक और प्लस मस्जिद है। याद रखेंगे हैदराबाद में स्मारक और मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध चार मीनार स्थित है और चार मीनार को उर्दू में यदि बात किया जाए तो इसका उर्दू में शाब्दिक अर्थ होता है चार स्तंभ। चूंकि यह चार स्तंभों पर ही आधारित है इसीलिए इसे चार मीनार नाम दिया गया है और इसे 1591 ईस्वी में, याद रखना है 1591 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में 1591 ईस्वी में चार स्तंभों वाले चार मीनार का नामक स्मारक और मस्जिद का निर्माण किया था। इस प्रकार तेलंगाना के ऊपर कुछ बेसिक जानकारी। अब तेलंगाना के दूसरे पार्ट में देखा जाएगा इसकी प्रशासनिक बनावट कैसी है। तेलंगाना के दूसरे पार्ट में देखा जाएगा कि तेलंगाना की प्रशासनिक बनावट। तो प्रशासनिक बनावट के तौर पर याद रखना होगा कि तेलंगाना सरकार की बनावट एक्चुअल में क्या है और सरकार के तीन अंग होते हैं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि तेलंगाना में भी सरकार का तीन अंग होगा। ऊपर कहा जा सकता है कि तेलंगाना में भी एक न्यायपालिका होगी, तेलंगाना में भी एक विधायिका होगी और तेलंगाना में ही एक कहा जा सकता है कि कार्यपालिका भी होगी। और इसे ही सरकार के तीन अंगों के नाम से जाना जाता है। और यदि पूछ ले कि सरकार का चौथा स्तंभ क्या है तो प्रेस या मीडिया को सरकार का चौथा स्तंभ माना जाता है। तेलंगाना के न्यायपालिका की बात कर ली जाए तो इससे इसका नाम है हाई कोर्ट, तेलंगाना हाई कोर्ट के नाम से ये प्रसिद्ध है या हैदराबाद हाई कोर्ट के नाम से यहाँ की न्यायपालिका जानी जाती है। अब मुख्य प्रश्न होता है विधायिका और कार्यपालिका को लेकर। तो विधायिका सरकार के उन अंगों को कहा जाता है जहाँ शासन या विधि का निर्माण किया जाता है और तेलंगाना की जो विधायिका है वह याद रखना कि द्विसदनात्मक है। तेलंगाना की विधायिका द्विसदनात्मक या बाई कैमरल है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तेलंगाना की यदि विधायिका के बनावट को देख लिया जाए तो यहाँ की बनावट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। यदि हम इसे वहां की विधायिका समझ लें तो इसके सबसे नीचे VS लिखा जा सकता है। VS का मतलब हुआ विधानसभा। यदि इसके ऊपरी सदन की बात कर ली जाए तो इसे विधान परिषद कहा जा सकता है और सबसे ऊपर बात किया जाए तो यहाँ के गवर्नर को रखा जा सकता है। तो इस प्रकार तेलंगाना की विधायिका में इन तीनों को शामिल किया जाता है। तो विधानसभा और विधान परिषद, चूंकि वहां की विधायिका में दो सदन है और इसलिए यहाँ की विधायिका को द्विसदनात्मक या बाई कैमरल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से प्रश्न उठता है कि गवर्नर, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा को किसी भी राज्य में विधानसभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, विधान परिषद को उच्च सदन या द्वितीय सदन के नाम से जाना जाता है
और गवर्नर को भी इसका अंग माना जाता है। तो गवर्नर से पहले दो पॉइंट यहां निकाल लिया जाए कि जब तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था उस वक्त इसके जो भी गवर्नर बने थे वह उस वक्त के प्रथम गवर्नर हो जाएंगे। तो सवाल पूछेगा कि तेलंगाना का पहला गवर्नर कौन और तेलंगाना का वर्तमान गवर्नर कौन। तो तेलंगाना के पहले गवर्नर का नाम था ESL नरसिंहन, याद रखना है। और वर्तमान राज्यपाल पूछे तो डॉक्टर टी सौंदरराजन महिला है या वर्तमान तेलंगाना राज्य की राज्यपाल है और इसके प्रथम राज्यपाल ESL नरसिंहन थे। अब आता है कि विधान परिषद और विधानसभा में वहां सीटों की संख्या कितनी है। तो विधान परिषद में वहां सीटों की संख्या रखना है तेलंगाना में 40 है और विधानसभा में सीटों की संख्या बात किया जाए तो 119 होगा। और जिस भी पार्टी को इस विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही वहां का सीएम या मुख्यमंत्री होता है। तो यहां से पुनः एक सवाल निकल जाता है सीएम के ऊपर कि तेलंगाना राज्य का पहला सीएम और तेलंगाना राज्य का वर्तमान सीएम कौन है। तो तेलंगाना राज्य का पहला सीएम याद रखना है KCR के नाम से काफी प्रसिद्ध है, या इनका पूरा नाम है के चंद्र शेखर राव। और यदि यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात कर ली जाए तो यहां के वर्तमान मुख्यमंत्री भी KCR ही है। तो यदि प्रशासनिक बनावट के तौर पर तेलंगाना को देखा जाए तो आम राज्यों की तरह तेलंगाना सरकार के भी तीन अंग हैं। न्यायपालिका के तौर पर हैदराबाद हाई कोर्ट को जाना जाता है जो यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को देखती है। विधायिका और कार्यपालिका की बात कर ली जाए तो चूंकि विधायिका और कार्यपालिका के बीच आपस में एक गहरा संबंध होता है और न्यायपालिका स्वतंत्र होती है और वहां की विधायिका का मतलब हुआ विधान या विधि बनाने वाले अंग को विधायिका कहा जाता है। और तेलंगाना राज्य की विधायिका दो सदनों से मिलकर बनी है विधानसभा और विधान परिषद से, इसलिए यहाँ की विधायिका को द्विसदनात्मक या बाइक कैमरल के नाम से जाना जाता है। यदि वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की बात की जाए तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 यूपी हैं। इन 28 राज्य में से यदि बात किया जाए तो कुल 6 राज्यों में आप याद रखेंगे कुल 6 राज्यों में वर्तमान में द्विसदनात्मक विधान मंडल है जिनमें से एक राज्य तेलंगाना भी आता है। अब यहाँ विधान परिषद में सीटों की संख्या 40 है, इसके विधानसभा में सीटों की संख्या 119 याद रखना है। और जो यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव या KCR, इनकी पार्टी का नाम है TRS याद रखेंगे TRS का पूरा नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति। TRS के प्रमुख हो गए KCR और यही KCR तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी थे और वर्तमान मुख्यमंत्री भी हैं। अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए तो चूंकि तेलंगाना एक राज्य है और प्रत्येक राज्यों से लोकसभा और राज्यसभा में भी सीटों को आरक्षित रखा गया है, फिर तेलंगाना से लोकसभा में बात किया जाए और राज्यसभा में सीटों की बात कर ली जाए तो तेलंगाना से लोकसभा में कुल 17 सीटें जाती हैं और राज्यसभा में तेलंगाना से कुल 7 सीटें जाती है। तो इस प्रकार से तेलंगाना का पूरा प्रशासनिक बनावट हुआ जिसमें लोकसभा से 17 सीटें और राज्यसभा से 7 सीटें जाती है। प्रशासनिक बनावट के तौर पर इतनी सी जानकारी तेलंगाना से निकलकर बाहर आती है। यहीं पे थोड़ी सी भौगोलिक बनावट को और देख लिया जाए तो एक चर्चा और किया जा सकता है यहाँ के जिला के ऊपर। पूछता है कि तेलंगाना में वर्तमान में कुल जिलों की संख्या कितनी है तो इसे तीन क्रम में याद रखेंगे। जब 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया उस वक्त आंध्र प्रदेश के 10 राज्यों को अलग कर तेलंगाना राज्य को बनाया गया था तो उस वक्त इसमें कुल जिलों की संख्या 10 थी।
आगे चलकर इसमें पुनः 21 नए जिलों को और बढ़ा दिया गया, तो कुल जिलों की संख्या बढ़कर हो गई थी 31। और फिर आगे चलकर दो और नए जिलों को जब बढ़ा दिया गया तो वर्तमान में कहा जा सकता है कि यहाँ कुल जिलों की संख्या हो गई है 33। तो तेलंगाना राज्य में जिलों की कुल संख्या यदि पूछे तो याद रखना है इसका आंसर होगा 33। यहीं पर थोड़ी सी धार्मिक बनावट की भी चर्चा कर ली जाए तो तेलंगाना में याद रखना है यहाँ दो प्रमुख धर्म के लोग हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। यहाँ की लगभग जो बहुसंख्यक जाति है वो बहुसंख्यक संप्रदाय है वह हिंदू है, और यहाँ मुस्लिम अल्पसंख्यक है। लगभग 12.5% यहाँ मुस्लिम आबादी है और लगभग 84% के बराबर हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पर है। यह दूसरे पार्ट में तेलंगाना के प्रशासनिक बनावट की चर्चा की गई। अब इसके तीसरे पार्ट में कुछ ऐसे लोगों की चर्चा की जाएगी जिनका संबंध तेलंगाना से है और वो विश्व स्तर पर काफी ख्याति प्राप्त लोग हैं। तेलंगाना के तीसरे पार्ट में अब आ रहे हैं, तो तेलंगाना के तीसरे पार्ट में देखा जाएगा कि तेलंगाना से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को किन किन प्रमुख व्यक्तियों का संबंध तेलंगाना से है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम याद रखना है डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा नाम पीवी नरसिंहा राव, तीसरा वीवीएस लक्ष्मण, चौथा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन नैफ पीवी सिंधु नैफ साइना नेहवाल नैफ सानिया मिर्जा नेक्स्ट दिया मिर्जा नेक्स्ट सबाना आजमी नेक्स्ट राम गोपाल वर्मा नेक्स्ट फराह खान नेक्स्ट सुष्मिता सेन और लास्ट में तब्बू कहा जा सकता है। इन सभी का संबंध किसी ना किसी रूप में याद रखना है कि हैदराबाद से है, और प्राय परीक्षा में सवाल इनसे पूछ लेता है कि इनका संबंध किस राज्य से है या किस शहर से है। तो एक एक करके इन सभी नामों की चर्चा थोड़ी सी कर ली जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन याद होगा तो यह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, और ओवरऑल बात किया जाए ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, किस शहर से है, तो हैदराबाद या तेलंगाना से। पीवी नरसिंहा राव को भारत का नवा प्रधानमंत्री माना जाता है, इनका संबंध भी हैदराबाद शहर से है। क्रिकेट के दो खिलाड़ियों का संबंध वीवीएस लक्ष्मण और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का संबंध भी हैदराबाद शहर से है। अब पीवी सिंधु और साइना नेहवाल इन दोनों के ऊपर याद रखें कि दोनों का संबंध एक खेल है जिनका नाम बैडमिंटन। एक सवाल तो यहां से निकल बैठता है कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है।
और सानिया मिर्जा का संबंध किससे है तो टेनिस से है। अब साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में थोड़ा सा अंतर यह याद रखना है कि इन दोनों का जन्म हैदराबाद में नहीं हुआ है, ये दोनों वर्तमान में हैदराबाद में रहती हैं। यदि सानिया मिर्जा की बात की जाए तो इनका जन्म मुंबई में हुआ है और इनका जन्म हरियाणा में हुआ है साइना नेहवाल का, लेकिन वर्तमान में ये दोनों हैदराबाद में रहती हैं और इसलिए इन्हें हैदराबाद के तौर पर क्रेडिट कर लिया गया है। इन दोनों को छोड़कर जितने भी आप नामों की चर्चा यहाँ पर की गई है इन सभी का जन्म तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुआ है। दिया मिर्जा, सबाना आजमी, राम गोपाल वर्मा, फराह खान, सुष्मिता सेन और तब्बू, इन सभी का संबंध बॉलीवुड से है और इन सभी का जन्म तेलंगाना की राजधानी आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि प्रत्येक दिन के आज के इतिहास के तौर पर उन प्रमुख घटनाओं की चर्चा की जाए जिन घटनाओं से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी संदर्भ में हमारा एक छोटा सा प्रयास आप सबके लिए किया गया है। आशा है कि आप सबों को यह मेरा प्रयास काफी पसंद आएगा, वीडियो को आप काफी लाइक करेंगे, और यदि कोई सुझाव आपकी तरफ से हमारे लिए हो तो आप उन सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताकर हमें बताएं कि और क्या सुधार किया जाए जिससे आपको इस वीडियो के माध्यम से अधिक लाभ मिल सके। तो आशा है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों तक इसे पहुंचाएंगे। इसी आशा के साथ आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं।